बात करते हैं तेरा मेरा की। विकास भाई कल कोई मूवी देख रहे थे क्या? हाँ भाई कल मैं मूवी देखने लग रहा था, मैं देखने लग रहा था फिल्म यो तेरा घर यो मेरा घर। ये बाकी आपकी तेरा घर मेरा घर से मुझे एक बात याद है विकास भाई, तेरा स्कूल मेरा स्कूल है? यो तेरा स्कूल यो मेरा स्कूल, भाई कैसा हो रहा है, किसा माहौल गर्म हो रहा है यार है? मतलब बता तगाजी तो बताए यार, घने दीवे ना बुझा हुआ। खास भाई दीवे बुझाना नहीं पहली बुझाना होता है वो तो। अच्छा अच्छा ठीक से मास्टर घसीटा राम, नू बता तगाजी तक मतलब होया की है? दरअसल जो आपके नेता हैं दिल्ली के, उन्होंने हरियाणा के स्कूलों की स्थिति को देखते हुए कहा कि यहाँ पर कोई भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, कभी टीचर्स नहीं होते यहाँ पे, तो कभी बच्चे नहीं आ पाते, कभी बिल्डिंग्स खराब होती हैं। तो इसके ऊपर हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ ही स्कूलों को देखने की अनुमति है, बाकी देखने भी नहीं दिया जाता। इसके ऊपर जो आपके नेता हैं चित्रा, उन्होंने कहा कि वो हरियाणा के जो स्कूल है वो दिखाएं हमें। इसके ऊपर जो कंवरपाल है उन्होंने कहा कि ठीक है वो आकर देख लें, लेकिन दिल्ली के जब स्कूलों की बात आई तो कंवरपाल कहते हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, जो चित्रा है वो तो हरियाणा की, वो यहाँ आए और देख लें। हाँ कोई भी स्कूल में दिखा देंगे, हाँ ये बात स्वीकार है, हम तो दिल्ली नहीं जाएंगे, बहन जी भी यहीं से है अम्बाड़े से ही और मैं भी यहीं से हूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें बहन जी को आमंत्रित कर लूंगा मैं किसी भी स्कूल में और वो स्कूल दिखा देंगे, किसी भी स्कूल में दिखा देंगे। तो आप किसी स्कूल में आ सकते हैं? स्कूल का चल रहा है यानी कि है अगर भाई तू मेरा देख ले स्कूल और मैं तेरा देखूंगा स्कूल है। बाकी भाई हरियाणा के स्कूल तो हमने भी देखे हैं, मतलब बुझ जाना तो वो है ठीक से है, और जनता जनार्दन ने भी देख रखे हैं, कितने मास्टर नहीं, कितने स्कूल में चार दीवारी नहीं, कितने स्कूल का ग्राउंड नहीं, कितने बालकान बैठने ने मतलब बेंच भी नहीं है, घटना है मतलब हमने ना बुझो तो ठीक से। वही चित्रा ने कहा कि उनका ये जो न्योता है वो उन्हें स्वीकार है, लेकिन देखना कहीं वो बाद में पलट ना जाए। कंवरपाल गुर्जर जी ने हमारा चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने कहा है कि हम आकर उनके यहाँ कोई भी स्कूल देख सकते हैं, उन्होंने हमारा न्योता एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि मैं आपका न्योता स्वीकारती हूँ, आशा है आप इसे वापस नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी वाली नेता से जो चित्रा सरवारा, उनने मतलब हरियाणा के स्कूल का दौरा कराया नहीं कराया? नहीं विकास भाई अभी तक उनका दौरा नहीं हो पाया है। इसके ऊपर आपके नेता जो अशोक तंवर, उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अभी तक चित्रा के जो न्योते थे उसको स्वीकार नहीं किया, उनको अभी तक दर्शन नहीं करवाए यहाँ के। उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें स्कूल दिखाइए, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बात नहीं आई। दर्शन करा हमें क्यों कर, बेरा है पोल पट्टी खुल जाएगी। देखने वाली बात है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना कि उन्होंने अपनी सरकार में शिक्षा को सबसे आगे रखा था, और जो शिक्षा को आगे रखेगा वही प्रदेश को भी आगे ले जाएगा, वही प्रदेश वही समाज वही देश आगे जाएगा जो शिक्षा में आगे जाएगा। हुड्डा साहब आपके टाइम में भी सरकारी स्कूल के हालात जनता जनार्दन ने देख रखे थे। वहीं आप नेता अनुराग डांडा कहना कि हरियाणा में जो शिक्षा व्यवस्था वो बिल्कुल खराब हालत में है, और जितनी हरियाणा में जो बदतर हालत है शिक्षा की वो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। खट्टर सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा व्यवस्था आती ही नहीं, हरियाणा के स्कूलों का और भी बुरा हाल है, कॉलेजेस से भी बुरा हाल है। 36,000 टीचिंग स्टाफ के पद जो हैं वो हरियाणा के स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं, कोई भर्ती हरियाणा सरकार नहीं निकाल रही है हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स के लिए, हरियाणा के कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ के लिए। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर दिनों दिन होती जा रही है। जनता जनार्दन का जो रुपया से यार जो शिक्षा पर खर्च हो बजट, वो मतलब अगर धरातल पर नहीं जाने लग रहा है, उन स्कूलों में नहीं जाने लग रहा है, तो भाई वो जावा खड़े से सोचने वाली बात से भाई। बिल्कुल विकास भाई।